आपका क्वेश्चन है, टू लेंस हैव पावर ऑफ 2D एंड -4D, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस? एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन इन ईच। ठीक है, अब देखो इसने क्या दिया है कि दो लेंस है और उसका पावर इज 2D एंड -4D। एक का पावर है 2D और सेकेंड वाले का पावर है -4D। ठीक है, अब देखो आपका पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, देखो यहां पर सेंटीमीटर दिया है, में क्या होता है वो आपको लिखना है। तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, वी कैन से इज पी इज इक्वल टू 100 πf, 100 πf इन सेंटीमीटर्स। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100 πf है, अगर मीटर में है तो 1 πf है। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी दोनों वैल्यू डालते हैं तो देखो आपका f क्या हो जाएगा, 100 πp। नाउ f इज इक्वल टू 100 πp और f हमारा होगा सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो वैल्यू डालो, देखो क्या आ रहा है आपका, f इज इक्वल टू 100 by 2, दैट इज इक्वल टू 50 cm। सेकेंड वाले का पुट करते हैं, देखो क्या आ रहा है आपका, f इज इक्वल टू 100 by -4, दैट इज इक्वल टू -25 cm। ठीक है, बाय सीइंग दिस अब हम लेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका f इज 50 cm, दैट मीन्स आपका कौन सा लेंस है, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है -25, दैट मीन्स इट्स अ कॉनकेव लेंस। अब बाय सीइंग दिस मैंने कैसे बता दिया कि इट्स अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, देखो हमारा ऑब्जेक्ट इज एट लेफ्ट साइड ऑलवेज, है ना, तो लेफ्ट साइड से अगर आपकी रे आएगी तो फर्स्ट ये वाली लेंस में जाके क्या होगी, रिफ्रैक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट लेंस, तो ये देखो ये लेंस कैसा है आपका, इट विल बी सर्कल आपका ऐसे बनेगा लाइक दिस, है ना, तो सर्कल आपका ऐसे बनेगा, तो यहां पर आपका आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स सेंटर। तो ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर यहां पर है तो फोकल लेंथ भी यहां पर ही होगा, दैट मीन्स आपके रे के डायरेक्शन में है, दैट इज पॉजिटिव। इसमें देखो ये आपका ऐसे बनेगा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हियर, तो फोकल लेंथ आपका यहां पर होगा, दैट मीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रे, है ना, तो दैट इज नेगेटिव। तो अब इसमें देखो आगे क्या बोला है, द नेचर, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, तो नेचर इज व्हाट, कॉनवेक्स लेंस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कॉनवेक्स और यहां पर लिख सकते हैं कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 cm। अब आपको क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस,
तो इसका प्रिंसिपल ये आपका क्या है ऑप्टिकल सेंटर, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइक दिस, ठीक है, और यहां पर ऑप्टिकल सेंटर इज हियर, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइक दिस, डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर और देखो फोकल लेंथ क्या दिया है 50, दैट मीन्स फ्रॉम ओ टू एफ वन इज 50 एंड एफ वन टू सी वन इज योर 100, यहां पर भी आपका सेम है, दिस इज योर एफ वन और ये आपका आ गया सॉरी एफ टू एंड दिस इज योर सी टू, ये वाले का फोकल लेंथ इज 25 है ना, माइनस 25 बोला है, तो दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 25, दैट इज योर एफ वन एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज सी वन दैट इज 50, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज 100 सेंटीमीटर ही हैज टोल्ड, तो यहां से यहां तक 50 है, यहां से यहां तक 100 है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन में कहां पर है आपका, देखो 100 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक आपका 50 है, 25 है, 100 है, दैट मीन्स डबल ऑफ दिस, तो यहां पर आपका आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। अब हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं, तो रे डायग्राम देखो कैसे बनेगा आपका, हमको मालूम है कि C1 में है तो इसका इमेज विल फॉर्म एट C2 ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल साइज, है ना, तो ये कैसे बनेगा आपका, ऐसे पैरेलल लाइन बनाओ, यहां से F2 से एक लाइन बनानी है आपको, सेकेंड रे आपका बनेगा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो ये आपका क्या हो गया इमेज, दिस इज योर इमेज हियर, ठीक है, तो वैसे ही आपका कैलकुलेशन में भी सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए वो हम लिख देते हैं, तो इसके अंदर जो आपका आएगा इक्वल साइज दैट मीन्स मैग्निफिकेशन आपका कैसा होगा माइनस वन, है ना, उल्टा है, तो यहां पर आपका मैग्निफिकेशन माइनस वन में आना चाहिए, माइनस वन में, सेकेंड कंडीशन क्या है इमेज एट सी टू सेम डिस्टेंस में आना चाहिए दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, तो आपका ये दो चीज आपका यहां पर आना चाहिए, इसके अंदर चेक करते हैं देखो क्या आता है, तो यहां से जो इमेज आएगी यहां से जो रे आएगी इट विल गो डायरेक्टली पैरेलल टू दिस, ठीक है, और यहां से इट विल गेट रिफ्रेक्टेड, तो आपको क्या करना है सेकेंड इसके अपोजिट में एक रे बनानी है, इट विल पास थ्रू योर फोकल लेंथ, सेकेंड रे आपको बनानी है कहां पर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बस, तो सेकेंड रे विल कम लाइक दिस, तो दैट मीन्स इमेज आपका कहां पर फॉर्म होगा यहां पर बिटवीन F1 एंड O के बीच में इमेज फॉर्म होगा आपका, एंड साइज कैसा होगा देखो बहुत छोटा,
ठीक है। तो सेम चीज हम लिखते हैं, इमेज क्या होगा आपका, इमेज कहां पर होगा आपका, लेफ्ट ऑफ द लेंस। तो वी कैन से लेफ्ट, तो अगर लेफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस में, शुड बी माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आपस मैग्निफिकेशन क्या होगा, डिमिनिश्ड, ठीक। तो अब हम इसको देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर इसने ऑब्जेक्ट हमारा 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यू इज माइनस 100 सेंटीमीटर, सेम चीज लिखते हैं, U इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर, F इज 50 सेंटीमीटर, और अब हम इसका निकालेंगे थ्रू योर लेंस फॉर्मूला से, योर इमेज का डिस्टेंस। तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F, इसके अंदर पुट करो, देखो क्या, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 50, ठीक है। तो माइनस एंड माइनस विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो ये आपका आ गया 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 50 माइनस 1 बाई 100, दैट इज इक्वल टू, देखो एलसीएम इज 100, तो आपका आ गया 2 माइनस 1 इज 1 बाई वी। तो अब आपका क्या आ गया, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 100, तो वी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि सेम डिस्टेंस पे आएगा, देखो 100 एंड 100, ठीक है, आ गया। अब हम इसका निकालेंगे मैग्निफिकेशन, तो हमारा क्या होता है, m इज इक्वल टू v बाई u, तो v इज 100 एंड u इज माइनस 100, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1, तो दैट मीन सेम साइज का है बट इन्वर्टेड, माइनस शोज इन्वर्शन, ठीक है। सेकेंड केस पे देखते हैं क्या होता है हमारा। तो यहां पर देखो आपका क्या है, यू तो सेम है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ, F इज माइनस 25, तो 1 बाई माइनस 25, ठीक है। ये प्लस है, इधर जाएगा तो अगेन इट विल बिकम माइनस, तो क्या हो गया आपका, 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 100, नाउ एलसीएम इज 100, तो क्या हो गया, माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5 बाई 100, है ना। इसको कट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, माइनस 1 बाई 20, दैट इज इक्वल टू 1 बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो व्हाट यू विल गेट, वी इज इक्वल टू माइनस 20, यू विल गेट वी इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। तो ये देखो इमेज आपका कहां पर फॉर्म हो रहा है, माइनस 20 पे, और फोकल लेंथ इज 25 पे, तो F1 एंड O के बीच में, ठीक है। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन, तो M इज इक्वल टू V बाई U, तो V इज माइनस 20 एंड U is माइनस 100,
दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखो जीरो जीरो गॉन 0.2 प्लस 0.2, दैट मीन्स आपका ये इरेक्ट इमेज है और कितना है 0.2, ये अगर 1 है तो ये 0.2 है, दैट मीन्स 1/5 छोटा है इमेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है।